हेलो फ्रेंड्स, पहले व्लॉग में हमने देखा कि कैसे हम मुंबई माने सीएसटी से मांडवा जेट्टी तक आ गए। कुल 40 मिनट का सफ़र था, लेकिन ये सफ़र तो बहुत ही सुहाना था। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, आप देख सकते हो। ये अंदर का नज़ारा वो भी अच्छा था, और काफ़ी जेट्टी खाली खाली भी थी, ये सबसे अच्छी बात। हमारा सामान वगैरह आराम से हमने रखा था। अभी होटल जाते वक्त ये भी 1 घंटे का रास्ता था। हमारे होटल का नाम था होटल आउटपोस्ट, क्योंकि ये एक वेजिटेरियन होटल है। मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए हम सब ये रहा रूम का नज़ारा। रूम तो काफ़ी स्पेशियस था, आप देख सकते हो। 2 डबल बेड थे, फिर भी बहुत जगह थी सामान रखने के लिए, सब कुछ। ये टी प्लेस थी, और सबसे अच्छी बात, जब हम अंदर गए तो हमें एक वेलकम ड्रिंक, जी हाँ, वाटरमेलन जूस। ये देखो, दोनों बाप बेटी मिलकर कैसे मज़े से पी रहे हैं वाटरमेलन जूस। उसके बाद लंच की बारी आई। लंच भी काफ़ी अच्छा था, ये देखिए, एक 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 से बढ़कर एक सब चीज़ें थी। पेट फुल हो गया, उसके बाद हम तुरंत निकले घूमने के लिए। ये हमारा पहला डेस्टिनेशन। पानी बुला रहा था, समुंदर के पास तो आ चुके थे, बस अंदर जाने की देरी थी। ये जस्ट हाई टाइड शुरू हुई थी, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम रिलैक्स। बस अब पानी में बेटी पहले पहले थोड़ा डर रही थी, उसके बाद आप देखेंगे उसने इतने मज़े किए हैं कि पूछो मत। आगे के व्लॉग में सब दिखेगा आपको। हम नाच रहे थे, झूम रहे थे, क्योंकि हम पानी में थे। ये पानी भी बहुत साफ़ सुथरा था। मोस्टली पानी ब्लू होता है, समुंदर का पानी, लेकिन उस सैंड का जो कलर हो वो कलर पिकअप होता है। मतलब ये सैंड का कलर ना थोड़ा सा गोल्डन जैसा था, इसलिए पानी का रंग भी ऐसा ही है। चलिए अब देखते हैं थोड़ी होटल से जुड़ी वोकैबुलरी। आपको अगर रूम बुक करनी हो, आजकल तो हम सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, लेकिन पहले फ़ोन पे इंक्वायरी करेंगे। सो ऑन कॉल कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बुक अ रूम ऑन 2nd, 3rd and 4th of May, मतलब 2 मई से लेकर 4 मई तक मुझे आपका होटल बुक करना है। डू यू हैव अ वैकेंसी, मतलब आपकी रूम खाली है। डू यू हैव अ वैकेंसी, तो सामने वाला बोलेगा, अगर जगह है तो बोलेगा येस वी हैव, अगर नहीं हो तो बोलेगा नो सॉरी मैम वी डोंट हैव, मतलब हमारे पास रूम ऑलरेडी बुक्ड है, वी आर ऑलरेडी booked, या फिर वो बोलेगा वी आर booked, मतलब सब कमरे जो है वो भर गए हैं, बुक हो गए हैं। अभी हम सोचते हैं कि हमें एक कमरा मिल गया, तो वो बोलेगा सर देर इज अ वैकेंसी, मैम देर इज अ वैकेंसी, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे और आपका कमरा बुक हो गया। जो एडवांस पेमेंट है वो भी कर ली, तो आपको उनको पूछना है कि चेक इन टाइमिंग क्या है। चेक इन टाइमिंग, सो मे आई नो द चेक इन टाइम प्लीज़। चेक इन का मतलब है कितने बजे होटल में आने की इजाज़त है। जी हाँ दोस्तों, हर एक होटल का चेक इन टाइम अलग अलग होता है। तो माना कि ये चेक इन टाइम है 11 o'clock, तो वो आपको बोलेगा मैम चेक इन टाइम इज़ 11 am, मतलब
11 बजे आप चेक इन कर सकते हो। चेक इन इसका मतलब अंदर आने की इजाज़त, होटल में अंदर आने की इजाज़त। आप और एक क्वेश्चन उसको पूछ सकते हो, डू द होटल इज पेट फ्रेंडली। पेट फ्रेंडली का मतलब है कोई भी एनिमल जैसे कि डॉग या कैट लाने की इजाज़त है। जी हाँ, ऐसे भी कोई होटल होते हैं जो परमिशन देते हैं, तो आपको पूछ लेना है कि इज दिस होटल इज पेट फ्रेंडली। इज दिस होटल इज पेट फ्रेंडली मतलब पेट्स को लाने की इजाज़त है। अगर है तो वो बोलेगा यस मैम आर होटल इज पेट फ्रेंडली, मतलब एनिमल्स को अंदर आने की इजाज़त है। ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई पेट हो तो, और उस पेट को आपको लेके जाना हो होटल में तो। जब आप अंदर आते हो, जैसे कि हम यहाँ आए हैं, तो आपके साथ बहुत सारा सामान होता है, तो आप उसको बोलोगे वी हैव लॉट ऑफ लगेज, डू यू सेंड बेल बॉय प्लीज। बेल बॉय का मतलब जो आदमी जो आपका सामान उठाकर आपको पहले रूम दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले रूम दिखाने वाला जो लड़का आदमी होता है उसे बेल बॉय बोला जाता है। ही इज द सेम पर्सन हु ओपन्स द डोर एंड ब्रिंग्स द लगेज इनसाइड, मतलब ये रूम ओपन भी करता है, चाबी आपके हाथ में देता है और आपका लगेज उठाता है। सो ही इज कॉल्ड एज बेल बॉय। बेल बॉय। आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि लॉबी एरिया कहाँ है। नाउ बिफोर दैट यू शुड नो व्हाट इज लॉबी। लॉबी इज अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द कस्टमर्स ऑफ दिस होटल कम टुगेदर। They have a common breakfast, they have a common lunch at one place. मतलब room service में वहाँ जाके common खाना खाते हैं, just like a buffet. So buffet is already arranged and all these people, that is customers or you can say clients, they come together and they come together at a place called as lobby. Okay? तो lobby का मतलब है ऐसी जगह जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, इसके लिए लॉबी, लॉबी एरिया बोला जाता है। एवरी होटल दैट इज 3-star या 5-star होटल में लॉबी एरिया तो होता ही है, ताकि गेस्ट भी एक दूसरे के साथ बातें कर पाए, क्योंकि हर टाइम रूम सर्विस इज लिटिल बिट बोरिंग। सो लॉबी एरिया इज मस्ट। अंदर जाते हो तो सबसे पहले ये पूछना है विच अम्यूनिटीज डू यू प्रोवाइड, तो वो बेल बॉय मोस्टली आपको जवाब देगा कि वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री लंच। नाउ व्हाट यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री, जो पैकेज में इंक्लूड है, जिसके लिए हम अलग से चार्ज नहीं करते हैं, अलग से पैसे चार्ज नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। सो दिस इज वन ऑफ द अम्यूनिटीज प्रोवाइडेड। अम्यूनिटीज का मतलब है फैसिलिटीज, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री डिनर। जैसे हम यहाँ आए हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और लंच है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अम्यूनिटी। वीडियो में जुड़ते रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो ज़रूर करिएगा, और हाँ बेल की घंटी भी दबानी है। वीडियो आगे जारी रहेगा, देखते रहिए रेशमा इंस्टीट्यूट, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम वहाँ के स्कूटर पे बैठे थे तीनों जन। ये स्कूटर खास करके इसी रेत के लिए बनी हुई है। बहुत ही मस्त लग रहा था, एंजॉयिंग, और हवा भी ठंडी आ रही थी। गर्मी का मौसम होने के बावजूद हवा बहुत ठंडी थी। समुंदर के पास थे, समुंदर के साथ थे। ये देखिए फोटो,
और आगे हमने क्या क्या किया, कौन से स्पॉट्स देखे, अगले व्लॉग में मिलते हैं।